ताज्या आणि सुपर फास्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्वराज्य न्यूज मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन प्रेस करा। शिवबाजी नहीं करता, किस इंसान के हम कुछ काम में आए, अच्छा काम करे, लोग की मदद करे, खिदमत करे। मैं अभी तक कोई भी इंसान बोलन दे जो भी मैं काम कर रहा हूँ किसी के सामने बोल कर दिखाया, जो भी है बोलो, सब लोग यहाँ पर है जितने मौजूद है लोग बोलो, आवाज तो दीजिएगा। मैं किसी का काम करा, साथ दिया, कभी किसी के सामने बोल कर नहीं दिखाया। वो मेरे दिलो दिमाग में खौफ खुदा है, नेकी कमाना, सवाब कमाना, ये मेरी नियत है, मेरी सोच है, बस इतना कहता हूँ। फिर से एक बार मैं ये बोलूंगा, मैं बार बार दो तीन मीटिंग में बात बोल चुका हूँ, कुछ लोग गलत फहमी कर रहे हैं, फॉर्म निकालो, अभी क्या कर रहे हैं, पार्टी में दियो, तुम्हारी जबरदस्ती है क्या, पार्टी में हम नहीं देते। और आप लोग भी इसी के बहकाव में दिशावल में मत आओ, लोग बोलेंगे, अफवाह भी करेंगे कि दो दिन के बाद पार्टी पर देने वाले हैं, चार दिन के बाद देने वाले हैं, आखिरी में देने वाले हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ एक सीधी सी सिंपल बात है कि तुमको तुम्हारे काम पर भरोसा नहीं किया, एतबार नहीं किया कि तुम जो 5 साल में 10 साल में जो भी पार्टी आपकी, उस पार्टी के नाम पर आप लोगों की खिदमत करे, काम करे, तो आपको इस पर आपके काम पर भरोसा नहीं किया। क्यों टोपी पुरान के आप पीछे लगे, प्रेशर दे रहे, जान बुझ कर तकलीफ दे रहे मेरे को, ये जो है ये गलत काम हो रहा है, नाइंसाफी हो रही मेरे साथ, ये सब आप लोग को मालूम है, जानबूझकर हमारे नजदीक लोगों को भी बोला जा रहा है, जो बोलो समझाओ समझाओ, बोल तो मैं टेंशन में आना, मैं चीड़ पीड़ करना, हमारे लोग मेरे से नाराज होना, जो मेरे साथ फिरने वाले लोग है, जो कुछ बाहर के लोग है, दूसरे एरिया के लोग है, फिर ये लोग को समझ में नहीं आता, जहन में नहीं आता, सिर्फ लोगों को बहकाना, दिशाभूल करना, गलत फहमी करना, ठीक है, तुम तुम्हारी जगह, मैं मेरी जगह, क्योंकि आप सब लोग को मालूम है जिस तरह आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया, उसी तरह निवडणूक लड़ाने का अधिकार है हमको। एक सामान्य नागरिक रंधे, कार्यकर्ता रंधे, जो भी पार्टी पक्ष का इंसान रंधे, कार्यकर्ता पक्ष जो भी रहेगा, हर इंसान को वोट डालने का अधिकार है, जिस तरह उसी तरह निवडणूक लड़ाने का, इलेक्शन में खड़े होने का भी अधिकार है। और अभी आप सब लोग के हाथ में, आप सब लोग सोचो समझो, कौन जहनसाजी कर रहा है, कौन दिशाबल कर रहा है, कौन गलत फहमी कर रहा है। और हमारा तो एक साथी क्या बोला मेरे को कि पहलवान तुम दक्षिण में मत खड़े हो जाओ, तुम जो शहर मध्य में जाओ, मैं पूरी जमात उलमा को बोलकर तुम्हारे शहर मध्य में काम करूंगा। लेकिन अभी वो साथी है, उसके कुछ साथी भी दूसरे पार्टी का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे दोस्त है, ऐसे हमारे साथी नगर सेवक आए, अब उनका जहन, उनकी सोच जो उनके साथ, मेरा जो अकीदा अल्लाह की जात से है, पूर्व उम्मीद अल्लाह की जात पर है, मेरे को मुकद्दर में जो लिखा है वो इंशाल्लाह होकर रहेगा। इलेक्शन लड़ाने का है, जिसमें दादा ने बताया एक बार मैदान में उतरे पीछे नहीं हटने का। आप सब लोग एक आवाज दो, और सब लोग उससे गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ताला को डर कर आखिरी तक 20 तारीख के 6 बज तक किसी के भी बहकाव मत आओ, दिशावली भी मत आओ, या कौन आपको डरेगा धमकेगा, हम सब एक जगह आए, तुम थोड़े हैं, तुम इतने हैं उतने हैं, जिस तरह अभी हमारे मुल्ला सर बताया गया, मुल्ला साहब ने बताया कि 313 की मिसाल 313 की मिसाल है। ये लोग अभी समझना कि हमको इलेक्शन के दौरान, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ हर एरिया के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, हमें झगड़ा पसंद नहीं करना है, अपने काम के बलबूते पर लोगों से मोहब्बत से वोट मांगना है। और हमारी निशानी एप्पल, 20 तारीख को इंशाल्लाह एप्पल निशानी पर वोट डालो। और जिस तरह हमारे कुछ साथियों ने मुझे कल रात में बताया कि कुछ लोग सुनते कुछ लोग नहीं सुनते, कुछ लोगों ने मुझे ये भी वादा किया, हम आपको वादा करते हैं पहलवान, हमारा वोट, हमारी फैमिली का वोट, हमारे सुनने वाले साथियों का वोट हम आपको देंगे, अगर ऐसा भी आप करेंगे दाऊद भाई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी जो मोहब्बत है वो इंशाल्लाह बरकरार रहेंगे। हर एरिया में जितना भी शहर मध्य का मतदार संघ है, आप सब लोग जद्दोजहद मेहनत करो, कोशिश करो, अपना काम है मेहनत करना, कोशिश करना, जो सफर से निशानी है। और एक बात, और अहम बात ये भी है।